इंदौर थाना लसुरिया क्षेत्र में स्कीम नंबर 136 में सोमवार दोपहर को खुले मैदान में 9 साल की बच्ची की बेरहमी से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। प्रथम दृष्टया बच्ची के शव को देखकर यह साफ हो रहा था कि किसी प्रकार से बदला लेने के लिए यह हत्या की गई है। पड़ोस में ही रहने वाले 10 वर्षीय छात्र को नाबालिग बच्ची फ्री फायर नाम के गेम में हरा दिया करती थी। लॉकडाउन के बाद से ही सभी स्कूलों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है और तब से ही यह साथ में फ्री फायर गेम खेला करते थे, जिसमें एक समय पर 4 लोग ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। जब से दोनों नाबालिग बच्चे इस गेम में जुड़े थे, तब से लेकर अब तक रोजाना मृतिका पड़ोस में रहने वाले बच्चे को इस गेम में हरा दिया करती थी, बल्कि आरोपी बच्चे के छोटे भाई की ओर से भी वह खेलते हुए उसे हरा देती थी, जिस बात को लेकर उसके मन में हमेशा गुस्सा रहता था। पिछले कुछ दिनों से पढ़ाई के बहाने भी बच्चे गेम खेलने लग जाते थे और वह उससे कई मर्तबा हारने लगा था। धीरे धीरे यह हार का गुस्सा उसके मन में प्रतिशोध बन गया। आज आरोपी बच्चे ने अपने घर के एक पालतू चूहे के मारने का मृतक बच्ची पर आरोप लगाते हुए उसे पकड़कर मैदान की ओर ले गया, जहां उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और गिराने के दौरान बड़े पत्थर से चेहरे पर एक के बाद एक बार किए, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मौके से भागकर आरोपी बच्चे ने खुद के ही घर में जाकर अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया था। इंदौर DIG हनाचारी मिश्र ने मामले में खुलासा करते हुए गेम में हारने के प्रतिशोध लेने को मुख्य वजह माना है। नाबालिग बच्चे को बाल संप्रेषण गृह भेजा जाएगा, लेकिन इस घटनाक्रम ने एक सबक समाज और पेरेंट्स को दिया है कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के साथ कौन सा गेम खेल रहे हैं और इस गेम का उनकी मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह भी जानना जरूरी है। बच्चा जाकर के बाथरूम में अपने को बंद कर लिया था, इसके बाद इसको लंबे समय तक ढूंढा गया, बच्चा नहीं मिला। अंतर ढूंढने के बाद जब काफ़ी देर तक किया गया, तब किसी ने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा बहुत देर से बंद है। लगभग बच्चे को समझाया गया, बोला गया, वो नहीं खोल रहा था। लगभग 40 मिनट के बाद उसने फिर अपने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, तब उसे समझा करके बाहर निकाला गया, तब वो जा करके बाहर निकला। लसुरिया में हत्या हुई थी, 2 घंटे में पुलिस ने खुलासा किया है, क्या कारण आया सामने हत्या का? आज एक बड़ी ही एक दर्दनाक घटना हुई और मुख्य तौर पे इस घटना का एक खुलासा कम मुख्यतः आम अभिभावकों के लिए एक सबक की तरह है कि अपने बच्चों को हम वीडियो गेम दे देते हैं और उस पर नज़र नहीं रखते कि आखिर वो वीडियो गेम में किस तरह का हिंसक गेम खेल रहे हैं। लफुड़िया थाना क्षेत्र में निरंजनपुर के इलाके में एक ही बिल्डिंग में आसपास के फ्लैट में एक बच्ची जो कि 5वीं क्लास में पढ़ती थी और एक बच्चा जो उसका पड़ोसी था वो 6ठे क्लास में पढ़ता था, दोनों साथ रहते थे। दोनों अपने अपने घरों से एक फ्री फायर नाम का वीडियो गेम खेला करते थे। उस वीडियो गेम में ऑनलाइन 4 लोग एक साथ खेल सकते हैं, जो अपने अपने घरों से ऑनलाइन रह करके एक दूसरे के अपोनेंट की तरह खेल सकते हैं। उस वीडियो गेम में दोनों बच्चे खेलते समय सामान्य तौर पर बच्चे को बच्ची हरा देती थी और यह बात धीरे धीरे उसके मन में एक प्रतिशोध की भावना लेने लगी। उसने उसे खेल के रूप में न लेकर उसे ज़्यादा गंभीरता से लेना शुरू किया। इसी बीच में एक घर में किसी चूहे, सफ़ेद चूहे, कोई पालतू चूहे को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें बच्चे का आरोप था कि संभवतः उसको बच्ची ने मार दिया, ऐसा उसका आरोप था। इस बात को लेकर के वह बच्ची को लेकर के इस बात में बात करने के लिए वह घर से 100 मीटर की दूरी पर ले गया। वहाँ ले आकर के उसने एक बड़ा सा पत्थर उसके सिर पर दे मारा, जहाँ बच्ची गिर गई, और उसके बाद उसने कुछ और पत्थर एक दो उसके सिर पे दे मारे। अतः सिर में लगी चोट के कारण, अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण बाद में बच्ची की मृत्यु हो गई। मुख्य तौर पर यह घटना जिस तरह से बच्चों में हिंसा पड़ रही, एक बच्चा जो कि 10-11 साल का खुद है, एक बच्चा जो खुद 6 क्लास में पढ़ता है, वह उस बच्ची को मार देता है जो उसके साथ हमेशा खेलती है, उस बच्ची के साथ इस तरह का हमला करता है जो कि हमेशा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के परिवार और दोनों परिवार एक
बिल्कुल सगे संबंधियों की तरह साथ रहते हैं, उस बच्ची को सिर्फ इसलिए मार देता है कि उसके मन में एक गहरा आक्रोश है एक वीडियो गेम में लगातार हारते जाने के कारण। इस तरह से पूरी घटना का खुलासा जरूर हो गया। पुलिस ने, चूँकि बच्ची का मामला था, बच्ची की उम्र 10 साल के आसपास थी, और इस पूरे मामले को पुलिस ने काफ़ी गंभीरता से लिया, तत्परता से लिया। हमारी पूरी टीमें, हमारे एसपी ईस्ट, एडिशनल एसपी थाना भारी, पूरी टीम हमारी वहाँ पर उस इलाके में तत्काल तत्परता से लग गई। हम लोगों ने लगातार उस इलाके के, चूँकि शुरू में स्थिति स्पष्ट नहीं थी और न परिस्थितियाँ स्पष्ट थी न घटना का स्वरूप मालूम था, लेकिन पूरी टीम ने काफ़ी तत्परता से काम किया और अंततः 2 घंटे के अंदर पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया। इस मामले के जितने भी पहलू हैं उनकी सारी परतें हट चुकी हैं। इसमें सामान्य जानकारियां हैं, इस घटना से जुड़ी जो सामान्य तथ्य हैं वो सामने आ चुके हैं, और पुलिस मुख्य तौर पर इस पर और जो चीज़ हैं, जो तथ्य हैं, उनको और करेगी। बच्चे को बाल संरक्षण केंद्र में भेजा जाएगा, लेकिन मुख्य तौर पर इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम वीडियो गेम अगर कोई बच्चों को दे रहे हैं तो एक अभिभावक के तौर पर हमें इस बात पर हमेशा नज़र रखनी चाहिए कि वो गेम किस हद तक हिंसक है, किस हद तक बच्चों को हिंसक बना रहा है, और साथ ही साथ बच्चे किसके साथ खेल रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनके स्वभाव में किस तरह का परिवर्तन आ रहा है। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में न रखें तो शायद खेल खेल में इस तरह की घटनाएँ जो कि हत्या की तरह विभत्स होती हैं स्वरूप ले सकती है। सर, जिस तरीके से परिवार कह रहे थे कि 2 लड़के थे जो उसको खींच के ले जा रहे थे, जो प्रत्यक्ष दर्शियों के मुताबिक बात हुई थी, तो इस बच्चे के अलावा कोई और भी था इसके साथ में जो उसको वहाँ तक लेके गए थे, ऐसे कुछ नहीं? इसमें और कोई नहीं था, इसमें वो बच्चा और बच्ची, चूँकि हम बताए कि एक ही बिल्डिंग में रहते थे, ये बच्चा प्रारंभिक तौर पर इसको एक लंबा गुस्सा था इस चीज़ को, गेम को लेकर के इसने बार बार इस बात को बताया कि हमें बार बार हरा देती थी। इवन इसका कहना था कि इसके भाई जो किसी के बराबर उसके साथ जब खेलता था तब भी वो दूसरे तरफ से उसके नाम पर खेलने लगती थी और हरा देती थी। इस तरह की बातों को बार बार ये बात सामने आई, तो मुख्य तौर पर बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं उस बात को लेकर के एक हिंसात्मक भाव आए, और मुख्य वीडियो गेम इसके पीछे मुख्य वजह रहा। तो उस चीज़ को लेकर के एक बच्चे में, और तात्कालिक तौर पर जो कारण हुआ कि उसने एक जो सफ़ेद पालतू चूहे को, बच्ची को आशंका थी कि शायद बच्ची ने उसे हटा दिया या मार दिया, तो उस बात को लेकर के ये चीज़ रहा। और संभवतः उसका कहना था कि उसके बारे में वो 2-3 दिन से 4 दिन से पूछताछ कर रहा था, उसमें बात नहीं कर रही थी, तो उसमें किसी तरीके से उसको बात करके और वहाँ से वो लेकर गया, क्योंकि दोनों पड़ोसी थे, दोनों गेम खेलते थे, साथ साथ रहते थे, तो उस वहाँ किसी बहाने लेकर के गया, और लगभग घर से 100 मीटर दूर वहाँ पर थोड़ा सुनसान है, वहाँ पर एक गड्ढा भी था, सड़क के किनारे गड्ढा था, वहाँ पे ले आकर के इनकी कहा सुनी हुई, उसके बाद इसने बड़ा सा पत्थर और वहाँ पे दे मारा। वो सारी चीज़ें पूरी तरह से घटनास्थल से जो जो भी तथ्य है सारी चीज़ें कॉरोबरेट भी हुई हैं, उसमें उसने पत्थर सिर पे दे मारा, वो बच्ची गिर गई, गिरने के बाद फिर उसने पत्थर मारा, उसके बाद अंततः ब्लीडिंग के कारण, चूँकि वो सड़क के किनारे थी, गड्ढे में थी, कोई देख नहीं पाया, छोटी बच्ची थी, इसलिए उसके सिर में लगी पत्थरों के चोट के कारण उसके सिर से रक्त खराब हुआ, जिसके कारण सरता हो। सर, चूँकि ये दोनों ही बच्चों की जो उम्र है, स्कूल क्योंकि अभी फिलहाल लंबे समय से स्कूल बंद है, ऑनलाइन स्टडी पे ज़्यादा बच्चे हैं, ये उम्र जो होती है हार्मोनल चेंजेस की भी होती है, और कहीं ना कहीं क्रोध निकल नहीं पाता है। स्कूल में बच्चे जाते हैं तो आपस में एक दूसरे से बात करके चिल्ला के क्रोध निकल जाता है। मान सकता है सर, लंबे समय से चूँकि ये स्कूल भी नहीं गए हैं, ऐसे में लगातार ये गेम हारता रहा, तो एक मेंटल प्रेशर जो है वो क्रिएट हुआ इसके दिमाग। मुख्यतः ये बात भी महत्वपूर्ण है, ये ऑनलाइन जब स्टडी करते थे तो ये बच्चे बीच बीच में ऑनलाइन स्टडी ना करके गेम खेलने लगते थे, तो मुख्य तौर पे एक अभिभावक के तौर पे हमें जरूर देखना चाहिए कि बच्चे को हमने एक अच्छे तरीके से उसे सुविधाएं उपलब्ध कराई है, उसे तकनीक दिया है, उसे मोबाइल या फिर हम टैबलेट कुछ चीज़ देते हैं, कंप्यूटर देते हैं, ताकि वो बच्चा पढ़ सके, ऑनलाइन स्टडी कर सके, क्योंकि बच्चे जो हैं अपरिपक्व होते हैं, वो उस साइबर के माध्यम से दुनिया में किसी भी व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति, हालांकि इस मामले में दोनों बच्चे थे, दोनों पड़ोसी थे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कोई अपरिचित सा व्यक्ति उन्हें बरगला ले जाए और किसी दूसरी सी एक सुनहरे सपने दिखाकर उन्हें गलत रास्ते पर ढकेल दे। तो मुख्य तौर पे ऑनलाइन स्टडी में, चूँकि आज के परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन स्टडी एक वास्तविकता बन चुकी है, छोटे गाँव से लेकर बड़े शहरों तक लगभग इसी माध्यम से पढ़ाई हो रही है, इसलिए आवश्यक है कि हम बच्चों को देखें कि कहीं ऑनलाइन स्टडी करते करते वो वीडियो गेम तो नहीं खेलने लग जा रहे, और अगर वीडियो गेम खेल रहे हैं तो किस तरीके का गेम है, कहीं वो हिंसात्मक तो नहीं है।
हम लोगों ने पूर्व में देखा था कि पबजी जैसे जो गेम थे वो काफ़ी हिंसात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया थे, कई बच्चों ने उसमें जान तक दे दी थी। यहाँ पे भी कुछ पूर्व में यहाँ फोन आए थे और इस तरह के चीज़ों को पुलिस ने बचाया था। तो इस चीज़ों को देखते हुए हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि हम बच्चों पर ध्यान रखें, मुख्यतः तकनीक के युग में किस तरह से बच्चे चूँकि अपरिपक्व होते हैं, अविकसित मस्तिष्क होता है, कहीं किसी भी तरह का हिंसात्मक गेम और तो वीडियो गेम उन्हें हिंसक बना सकता है और वह हिंसा इस तरीके का शक्ल ले सकती है, ये हमारे सामने है। सर मारने के बाद बच्चा जो रिपोर्ट कैनन न्यूज़।